हुए थे और इसी के साथ मैच की पहली सीटी और यहाँ पर एक ही रेफरी ने बल्कि तीन तीन रेफरी एक साथ घड़ी में घड़ी निगाह डालते हुए उनका भी कॉम्बिनेशन तालमेल होना चाहिए क्योंकि टाइम टाइम होती है चीजों से। जी बिल्कुल, कॉम्बिनेशन होना भी चाहिए उनके बीच में और समय बहुत बहुमूल्य होता है। ऐसे मैच ऑर्गेनाइज जब करते हैं तो खिलाड़ियों के बीच में ये जरूरी है और इसीलिए यहाँ पर एकदम अनुभवी हमारे रेफरी को तैनात किया गया ताकि इसमें चूक और भूल ना हो। और इसी बीच मैं सीधे मैदान की ओर ले चलूंगा। सफेद रंग के जर्सी पर कुमिरता एफसी के खिलाड़ी है। ऐसे हमारे सूरज जी बता रहे थे कि कुमार डोगी के आसपास में भी बड़ा तालाब के सामने कहीं कुमिरता है, तो ये कुमिरता हमारे नोमंडी प्रखंड की है। कुमिरता जो कि सफेद रंग के जर्सी पर मैदान के उत्तरी छोर पर टीम है और उनके विपक्षी टीम डीडी ट्रिपल डी एफसी दामोदरपुर के वो मैदान के दक्षिणी छोर पर लाल और सफेद रंग के जर्सी पर खेल रहे एकदम युवा खिलाड़ी है। दोनों ही टीम की ओर से देखना होगा यहाँ पर। और ये द्वितीय दिन का द्वितीय ग्रुप का हमको लग रहा है बी ग्रुप का है कि बी पूल का ये अंतिम खेल है और इसके बाद हम दूसरे चक्र का खेल खेलवाएंगे और यही खेल बाकी थी, ये अंतिम खेल है। निश्चित तौर से यहाँ से भी एक टीम ऊपर जाएगी और यहाँ कोशिश करना होगा दोनों टीमों को क्योंकि अगला चक्र में अपने टीम को बना के रखना है तो अच्छा खेल का प्रदर्शन करना होगा और अच्छा प्रदर्शन करने के साथ साथ स्कोर बोर्ड में कुछ संख्या दिखना चाहिए। और इसी बीच देख रहे यहाँ पर सफेद और लाल रंग की जर्सी पर टीम है टीडी यानी कि ट्रिपल डी के नाम से दामोदर के पुर के खिलाड़ी है और डीबॉक्स के आसपास में गेंद को लेकर के पहुंच गया लेकिन वहां कुछ अच्छा कलाबाजी करना चाहिए थे गेंद को लेकर के लेकिन उस तरह का कुछ देखने को नहीं मिली। तो हम चाहते हैं कि दामोदरपुर के जो खिलाड़ी है वो भी थोड़ा सा कोशिश करें और थोड़ा प्रयास करें ताकि हमारे कुमिरता के विरुद्ध कुछ अच्छा खेल का प्रदर्शन दिखा सके हमारे दर्शक बंधुओं के बीच में। कुमिरता सात नंबर अपने साथी के लिए निकाल दिए लेकिन गेंद वहां तक पहुंची नहीं और बैक पास के रूप में देना चाह रहे थे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको पुश पास, ऐसे हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं इसको तुलसी पास और क्या बोलते हैं संजय जी बिल्कुल यहाँ पर बिग पास स्टाइलिश अंदाज में उन्होंने करना चाहा क्योंकि उन्होंने विपक्षी खिलाड़ी को यहाँ पर उन्होंने कवर किया था उनके पैरों के अंदर से बिग पास करने की कोशिश और ऐसा उन्होंने करने भी चाहा लेकिन सही ढंग से नहीं कर पाए। बड़े बड़े अक्सर खिलाड़ी इस तरह के चकमा देने की कोशिश करते हमने देखा है कई मैदानों में और यहाँ पर अभी तक देखा जाए तो आपके मैच में शुरुआती चरण में दोनों दल की ओर से अच्छा लय में नजर आ रहे हैं गोल करने के लिए। इस बार दामोदरपुर के पैरों में डीडीपीएफसी जर्सी नंबर 8 अपील की मांग लेकिन नाकारते हुए इस बीच कोडगढ़ नगर की नॉर्मंडी की टीम जो कि यहाँ पर है अपने अलग ही अंदाज में खेलते हुए कुमिरता इस बार जर्सी नंबर 11 डीडीपीएफसी के खिलाड़ी गोल को बढ़ाते हैं लेकिन डिफेंडर मौजूद है भैया एक शानदार शॉट एक टक्का खाने के बाद सीधे गोल के अंतर के दस्तारा में इनके हाथों से गोल निकल गई थी लेकिन फिर एक बार उन्होंने मुस्कुराते गोल को पकड़ा। और ये मैच देखकर मुझे एक बात याद आ गई जिसे कहते हैं किसी ने खूब कहा है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थककर बैठना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी दर्शकों के लिए। तभी से मायूस थे लगता है उनका चेहरा में खिल जाए, अरे बड़ा लाइट नहीं जले तो लीचू लाइट ही जल जाए उनका चेहरे में, हम यही चाहते हैं। कॉर्नर की का मौका बहुत ही शानदार तरीके से बॉल को नेट पर डालने की कोशिश लेकिन यहाँ पर डीडीपीएफसी के जोश नंबर 8 बॉल को रिलीज करने में सक्षम साथ ही टीम के लिए बॉल बनाते हैं युवा खिलाड़ी इस बीच तेजी रफ्तार से जोश नंबर 10 के लिए बॉल बनाया 10 नंबर के खिलाड़ी के होने की बॉल को बुलाने की कोशिश अभी भी उन्हीं के क्षेत्र में छोटे छोटे मोमेंटम बनाते हुए बॉल को बढ़ाने की पूरी प्रयास करते हैं लेकिन इस बीच बॉल को छीनने में कामयाब है कुमरिता के खिलाड़ी बॉल को बढ़ाने में कामयाब हो चुके कप्तान के लिए साथ यहाँ पर जी ने बल्कि 13 नंबर के लिए गोल बनाया 13 नंबर छोटे गति है बेहतरीन तरीके से उन्होंने गोल को ब्रेक पास किया 12 ने फिर से 13 नंबर के लिए गोल बनाना चाहा लेकिन इस बीच थोड़ी सी जल्दबाजी में गलत पास किया
इसका भरपूर फायदा लेते हुए डीडीपी आपसे डॉक्टरपुर, क्योंकि काफी दूर की टीम है और एक टीम बागमती प्रखंड की टीम है और साथ मुझे लगता है जो दामोदरपुर जो डीडीपी है साथ जगन्नाथपुर क्षेत्र की टीम है। जी जी बिल्कुल, जगन्नाथपुर का अंतिम है आठ का मरिया किया, आठ का मरिया प्रखंड किया। अब तक के खेल में देखा जाए तो कुमिता के जो खिलाड़ी है एकदम जुआ खिलाड़ी है, बिल्कुल दमदम रखते हैं, रन का हमको लगता है उनके पैरों पर रन है। अभी तक का जो खेल में हमको देखने को मिला उनके पैरों में रन है, अभी तक रन वो दबा रहे हैं और अच्छा तालमेल का परिचय दे रहे हैं। लेकिन उनके विपक्षी टीम डीडी ट्रिपल डी, और देखना होगा ट्रिपल डी के लिए कौन सा यहाँ कौन सा ट्रीट अपनाते हैं, किस तरह का रणनीति बनाते हैं। लेकिन जर्सी का कॉम्बिनेशन दोनों का बहुत ही बढ़िया है, दोनों ही टीम बहुत दूर से पहचान में आ रही है और दर्शक भाइयों के लिए तो गोल चाहिए गोल, और टीम के लिए भी गोल चाहिए, क्योंकि अगले चक्र में अगर आपको बने रहना है तो गोल बहुत जरूरी है। और इसी बीच गेंद सीमा रेखा से बाहर जाती हुई, बढ़िया मौका हो सकता है ट्रिपल डी के लिए, देखना होगा यहाँ पर मौका हो सकता है। लेकिन रक्षा पंथी के खिलाड़ी बिल्कुल तैनात है कुमिता के ओर से, अभी भी मौका हो सकता है ट्रिपल डी के लिए, कुछ भी हो सकता है। डी बॉक्स के आसपास में गेंद और वहां से रक्षा पंथी के खिलाड़ी ने गेंद को सीमा रेखा से बाहर जाने दिया चार रन के लिए। सर जी ये क्रिकेट में भी टूर्नामेंट हो रही है, इसमें चार रन की जरूरत नहीं है, पर गोल की समीकरण में आपको बदलाव लाना होगा। जी जी बहुत सही बात है, याद दिला दिया, हम भी खो गए थे, ऐसा होता ना खेल खेल में, ये तो चमड़े का मुंह का तो कोई गारंटी नहीं दे सकता, अब लिहाज थोड़ा सा रखना होगा। लगा कि बाउंड्री से बाहर तो शायद खैर ट्रिपल डी है इसीलिए उनके समर्थन में यहाँ पर एक क्रिकेट का बात शब्द आ गई थी, कोई बात नहीं है कोशिश करें। अब देखना होगा कुमिता के एकदम पतले खिलाड़ी अपने साथी के लिए निकाल दिए 13 नंबर, बढ़िया मौका हो सकता है, बहुत ही रन के साथ खेल रहे हैं कुमिता के खिलाड़ी, बिल्कुल जुआ जवान खिलाड़ी है और जबरदस्त रन के साथ खेल रहे हैं और बार बार गोलकीपर का जो ग्लोव्स है उनको गीला करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मैदानी गीला तो थोड़ा सा गीला किया जाए, और गोलकीपर ऐसा सोच से तो कुछ होने वाला नहीं है, गोलकीपर भी जब है गोलकीपर की भूमिका निभाएंगे तो चाहे वो हाथ भिगा रहा है या कुछ भी हो गेंद को तो स्लो मोशन में अगर आए आराम से अपना ग्लोव्स में जाने देंगे, मौका हो सकता है यहाँ पर ट्रिपल डी के लिए दामोदर के जो टीम है। और इसी बीच रेफरी महोदय की पहली नजर दोनों टीमों के बीच में लगता है कि कुछ गलत हुआ है, परिणाम स्वरूप फ्री किक मिलेगा और जैसे हमारे साथी ने कल बता चुका है उनके नजरों से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि वो भी कभी एक खिलाड़ी थे। हाँ बिल्कुल सर, आपने पति की बात की है लेकिन इससे पहले जो मैच आप लोग देख रहे थे अभी अभी हमें सूचना प्राप्त हुई है अंश रवि बराबर मास्टर ब्लास्टर के बीच में जो मुकाबला किया गया पेल्टी सुडाउन में उनका रिजल्ट हमें देखने को मिला और पेल्टी सुडाउन में मास्टर ब्लास्टर की टीम अंश रेवन को हरा कर है, सेकेंड राउंड में फिर जगह पक्की कर चुकी है और उस खेल में मैन ऑफ द मैच का जो पुरस्कार के हकदार है मास्टर ब्लास्टर के जो खिलाड़ी हैं कप्तान गोलकीपर मास्टर ब्लास्टर के गोलकीपर आपसे निवेदन किया जा रहा है कि आप मंच पर चले आए, आपका पुरस्कार हमारे मंच पर मौजूद है और आपको हमारे कमेटी के द्वारा ये चयनित किया गया है कि आप मैन ऑफ द मैच का हकदार है। गोलकीपर आपसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप तैयार हो जाए यानी आने के लिए अपना पुरस्कार लेने के लिए। तो इस मैच के बाद अगर जो मैच रहेगी सेकेंड राउंड का पहला मैच आपको पहले भी अवगत कराया गया है, मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा जो कि डायमंड क्लब है कालिया एंड कालिया बनाओ एक बेहतरीन टीम जो कि मैं बता दूं फाइटर मैच, अनुरोध रहेगा कि आप तैयार रहेंगे डी के कारण इस मैच को संचालन करते अपने अंदाज में। लेकिन अभी भी मैच की जो स्थिति है बराबरी की स्थिति में लेकिन इस बार गोल की खोज में लेकिन इजी कैच कोई जल्दबाजी नहीं, गोलकीपर ने बिल्कुल इजी रोकने के बाद साथी टीम के लिए थ्रो किया बॉल को रिसीव करने में कामयाब साथी प्लेयर लेकिन बॉल को मोमेंटम लेने से ऊपर से इंद्रदेव मेहरबान है और थाली ठोकने लग जाए चाहता आपसे हट जाएगी, यानी कि
सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बिल्कुल आपने सही पढ़ा लिखे सर, डीडीएफसी करेंगे थोड़ी सी तेज रफ्तार में खेलते हुए खिलाड़ी आपके हाथ में थोड़ा सा गिरे, दो पास किया डीडीपीएफ से जिस नंबर आठ के लिए, और आठ नंबर के खिलाड़ी ने शानदार शॉट दो नंबर के लिए बोल रहा था एक क्रॉस शॉट, इस तरह की जो लॉन्ग लेजर की जो पास होती है अधिकांश इंटरनेशनल स्टेट लेवल के मैच में हमें देखने को मिलती है, अधिकांश ऑफ साइड मैच में जल्दबाजी में गलत पास किया, पांच नंबर के खिलाड़ी डीडीपीएफसी तेज रफ्तार से दो खिलाड़ी को बीट करने के बाद शानदार शॉट टारगेट पर डालने की कोशिश, लेकिन इस बीच भी बोल चलेंगे लाजवाब, यहाँ पर गोलकीपर देखा परखा बॉल को जाने दो गिलास रहा, गोलकीपर प्लीज आइए आप मैन ऑफ द पुरस्कार के हकदार हैं और आपको चुना गया हमारे कमेटी की ओर से, तो ये पुरस्कार लेने से पहले मैं आपका एक नाम जानना चाहूंगा, अपना शुभ नाम बता दें हमारे तमाम दर्शकों के लिए। मेरा नाम संजय गेवरता है, हम गैर से आए हैं। धन्यवाद संजय जी, आप एक अच्छे गोलकीपर भी है, एक युवा गोलकीपर भी है, और ये पुरस्कार प्रेजेंट करने के लिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा हमारे कमेटी के वरिष्ठ सदस्य विकास आकाश गोप जी के द्वारा ये पुरस्कार दिया जा रहा है, जो भी विकास है आकाश है लास्ट में सही लगता है, तो रो सही है बिल्कुल सर, बाकी धन्यवाद हमारे विकास जी को, ऐसे भी आकाश अभी शांत है, और हम जैसे इससे पहले वाला निर्णय जो आई जिसमें मास्टर ब्लास्टर का ब्लास्ट अभी भी बाकी है, ऐसे लोग जरूर उसका नाम बड़ी सोच के रखा होगा, ऐसे जब तक खेल चल रही थी मैदान के बीचों बीच तो ऐसा लग रहा था एक समय कि अंत 11 हावी होकर के आकाश आपके मास्टर ब्लास्टर के विरुद्ध कुछ स्कोर में कुछ तब्दीली करेंगे या कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अंततः अंत 11 को हार का सामना करना पड़ा और मास्टर ब्लास्टर अपना टीम को अगले चक्र में लेकर के पहुंच गई है, जो कि बहुत ही खुशी की बात है, देखना होगा मास्टर ब्लास्टर की जो टीम है अगला मतलब द्वितीय चक्र में वो क्या सवाल करते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि समंदर की खामोशी को देख करके ये ना कहना कि उसमें रवानी नहीं है, और ये मास्टर ब्लास्टर क्योंकि अभी तक शायद खेलने की ठानी नहीं है, जब खेलने की ठानेगी तो वो तूफान बन करके खेलेगी, ऐसा हमको लगता है। बिल्कुल ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन स्पीच डीडीपीएफसी पूरी तरह से गोल करने के लिए जूझते हुए थे के नाम में अच्छी यहाँ पर लेब नजर आता है, यहाँ पर उन्होंने गोल को बढ़ा तो दिया था साथ ही टीम के लिए, लेकिन अपने आप को नियंत्रण नहीं कर पाए, जिस नंबर पांच थोड़ा सा गिर गए, अगर नहीं गिरते अपने आप को काबू करते गोल को रिसीव करते यहाँ पर कुछ होने की संभावना जता सकते थे, लेकिन इस बार कुमरिता नॉमुंडे की टीम लेफ्ट नंबर के राइट डिफेंडर एक लंबा क्रॉस किया, साथ ही टीम 13 नंबर के लिए 13 नंबर के खिलाड़ी ने 8 नंबर के लिए, लेकिन फिर से यहाँ पर डीडीपीएफसी के खिलाड़ी ने बहुत छीनने में सक्षम, ज्यादा मैच बारी तेजी रफ्तार से हो रही है, लेकिन अभी भी मैच में वही मंजर वही स्थिति, लेकिन इस बार शानदार गोल आ सकती थी, कमाल का शॉट, ऐसा लगा कि मानो बंदूक से निकली हुई गोली और निकली गई तीर से कमान, बहुत ही शानदार शॉट, लेकिन गोलकीपर को कोई फर्क नहीं, वो मजे में गोलकीपर है, और अगर सीट में अगर आप शॉट करेंगे तो उनके लिए आसान सा कैच हो सकती है, लेकिन फिर से डीडीपीएफ से आप गौर कर सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल आपके मैच में यहाँ पर पिताजी दल के खिलाड़ी यानी कुमरिता के खिलाड़ी हावी पड़ रही थी, गोल नहीं कर पाया, लेकिन सेकंड हाफ के बाद डीडीपीएफसी थोड़ा सा दो गुना बल्कि चार गुना तेज रफ्तार से खत्म, बिल्कुल 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 उनका ट्रिपल डी है ना, अब जरूर लगता है वहां पर और एक तो ढील लगाएगा हमको लगता है, और ये बहुत ही जबरदस्त मुकाबला इस मैदान पे चलता हुआ, लेकिन सुबह से इंद्रदेव का जो मायाजाल चल रही है जिस बार बार पानी बरसाने का, जिसके चलते खिलाड़ियों को थोड़ा सा चाहते हैं कि उनका कला गिरने का कला देखना चाहते हैं इंद्रदेव, इसलिए हल्का बीच बीच में पानी बरस रहे हैं, और बहुत ही शानदार तरीके से हमारे पेवेलियन के सामने आते हुए गेंद और जबरदस्त मुकाबला करता हुआ यहाँ पर कुमरिता
ऐसे गंभीरता के खिलाड़ी पाला आपसे तो बहुत रनिंग के साथ खेल रहे थे, लेकिन अब खेल लगभग DD 3D के दामोदरपुर के खिलाड़ियों ने अपने कब्जे में कर लिया है, दबाव बना करके खेल रहे हैं और मौका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बार बार होता लगा रहे गोलकीपर, अच्छा बचाओ, अब गोलकीपर को तो कुछ ना कुछ वास्तव में उसके लिए सोचना ही पड़ेगा, और उनके जो भी खिलाड़ी है तो 8 खिलाड़ी जो बाहर खेल रहे हैं कम से कम उसको तो धन्यवाद देना ही पड़ेगा, और हम कमेटी की ओर से उसको धन्यवाद इसलिए करेंगे क्योंकि अच्छा गोल कीपिंग का जो यहाँ पर परिचय है वो करा रहे हैं, मैदान गीली होने के बावजूद गोता लगा करके गेंद को अपने ग्लोव से जाने दे रहे हैं जो कि बहुत बड़ी बात है, अपने टीम के लिए एक बचाव कर रहे हैं जो कि बहुत ही बड़ी बात है, तो फिर यहाँ पर देखना होगा हमारे पवेलियन के सामने गेंद और लाल रंग के जर्सी में DDD के खिलाड़ी दामोदरपुर की ओर से आए हैं, और दामोदरपुर कहा जाए तो जगन्नाथपुर हाटगमरिया प्रखंड के अंतर्गत आती है, और अब तक खेल में दोनों ही टीम बराबरी पर, अब देखना होगा 7 नंबर के जर्सी पर गुमिस्ता की ओर से आक्रमण करने के फिराक में लेफ्ट विंगर की ओर से, लेकिन ऐसा कुछ कारनामा नहीं कर पाए, अब परिणाम स्वरूप यहाँ पर रिवर्स करते हुए उनके जवाब में DDD दामोदरपुर के खिलाड़ी और लाल रंग के जर्सी पर जो कि आप सभी जानते हैं 11 नंबर के खिलाड़ी गिरते पड़ते हुए अपने साथी के लिए निकालना चाह रहे थे, यहाँ पर गेंद बीच में फंसी रह गई, फिर एक बार मौका हो सकता है दामोदरपुर के लिए राइट विंगर के लिए 9 नंबर के जर्सी पर छोटा सा पास अपने साथी के लिए निकाल दिया, देखते हैं क्या 10 नंबर बहुत ही बढ़िया पास अपने साथी के लिए निकाले, शॉट कर दिए लेकिन कोई फायदा नहीं, थोड़ी सी चूकी उनका निशाना और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर, कोई नुकसान नहीं कुमिता FC के लिए, और बार बार प्रयास करने के बाद भी दामोदरपुर के खिलाड़ियों को कोई लाभ नहीं मिलता वो नजर आ रहा है अब तक दोनों ही टीम सिफर पर, इस बीच कुछ समय के लिए खेल रुकी हुई है और गोलकीपर ने लंबा सा किक करते हुए और गेंद जाके सीधे सीमा रेखा से बाहर चली गई, और पुनः यहाँ पर देखने को मिल रहा है दामोदरपुर फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी अपने साथी के लिए पास दे दिया 8 नंबर के जर्सी पर, 8 नंबर अपने साथी के लिए बिल्कुल बहुत ही सुंदर से चकमा देने के बाद अपने कब्जे में ही रखा, बहुत ही समय तक लगभग 2-3 सेकंड तक अपने पैरों पर ही रखा, अपना पैरों का जादू दिखाते हुए 3 नंबर के लिए निकाल दिए दामोदरपुर FC के खिलाड़ी जो कि लाल और सफेद रंग के कॉम्बिनेशन के जर्सी पर खेल रहे, देखना होगा यहाँ पर कुछ भी हो सकता, मौका बढ़िया बनाया है और किक की जरूरत थी और सही किक नहीं दे पाया, परिणाम स्वरूप गेंद सीमा रेखा से बाहर, लेकिन यहाँ पर एक कॉर्नर की का मौका मिलेगा DDP FC के लिए और अंतिम क्षण में, और अगर मैच खेलने के लिए एक टीम आ चुकी है धन्यवाद देना चाहूंगा जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से वो तैयार है अगला मुकाबला खेलने के लिए, तो मैं उनके इस टीम से भी गुजारिश करना चाहूंगा कि आप भी तैयार हो रहे हैं, और यहाँ पर अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए दर्शकों के लिए मैं कहना चाहूंगा आपकी इजाजत है, पूजा से हमें इजाजत है, एक बात कहना चाहूंगा हमारे तमाम दर्शकों के लिए क्योंकि यहाँ पर अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए अपने अपने खातों के सहारे, एक बात कहना चाहूंगा दिल में गौर नहीं कीजिएगा, जैसे कहते हैं आज की बरसात की दिल लगी ही कुछ ऐसी है, आज की बरसात की दिल लगी ही कुछ ऐसी है, भीगे बिना कोई रह ना पाए थोड़ी ऐसी है, खूबसूरती का आलम इस कदर बढ़ गया, खूबसूरती का आलम इस कदर बढ़ गया, महकते मौसम का सुमार है सभी पर चढ़ गया, लेकिन यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर दर्शक है बारिश में भी भीग रहे हैं अपने छातों के सहारे फिर भी मजा ले रहे हैं, ये सबसे दिलचस्पी और इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन अभी भी मैच है बराबरी पर, लेकिन इस बार आपको मेरी बातें थी रफ्तार से दोनों पे बॉल को बढ़ाते हुए क्या बॉल को कंट्रोल कर पाएंगे, लेकिन अच्छी कोवरिंग गोलकीपर के द्वारा बॉल को जा रहे थे गोल लाइन से बाहर, और इस बीच अंतिम समय में एक कॉर्नर की का मौका मिलेगा DDP FC, बहुत ही शानदार मैच, जितनी भी प्रशंसा की जाए जितनी भी तारीफ की जाए दोनों दल के लिए हमारे लिए कम पड़ जाएगी, ये मुकाबला किसी को फाइनल या फाइनल मैच कम नहीं, लेकिन अब दोनों दल के खिलाड़ी जिस अंदाज में जूझ रहे गोल करने के लिए वो सिर्फ कमी है, अगर इस कमी को पूरा करते हैं गोल के माध्यम से तो अगर दर्शकों के मन में जो यहाँ पर जो अपना पर जो तड़प रही है वो पूरी तरह से उभार फूट सकती है, ठीक है जी, बिल्कुल दर्शक एक गोल की प्रतीक्षा में कि कैसे गोल हो और हो क्यों ना, तभी अपने टीम को हम अगले चक्र में लेकर किस पहुंच जाएंगे, और गोल ही ना हो तो फिर क्या मजा है, और फिर भी
हम मैदान के साथ में, खिलाड़ियों के साथ में, लेकिन इसी बीच लंबी सीटी बजी और